नमस्कार दोस्तों, बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। गंगा गंडक कोसी के गोद में खेलने वाले हर बिहारी को बिहार पर नाज है। बिहार ने भारत के इतिहास को जो दिया है उसकी गिनती तो एक वीडियो में संभव नहीं है, लेकिन आज हम बिहार दिवस पर आपको बिहार की शान से रूबरू करवाएंगे। जहां लोग ताजमहल को प्रेम का प्रमाण मानते हैं, हमने तो दशरथ मांझी के प्रेम को देखा है। उगते सूरज का तो हर कोई पुजारी है, हम तो छठ महापर्व में डूबते सूरज को पूजने वाले बिहारी है। हाँ, हम गर्व से कह सकते हैं कि हम एक बिहारी है। चाणक्य नीति हमारे रगों में है, शून्य की शुरुआत हमने ही की। बुद्धा से लेकर गुरु गोविंद सिंह तक हर धर्म की रक्षा हमने की। राजेंद्र प्रसाद जैसे राजनीतिज्ञ तो चंद्रगुप्त मौर्य जैसे शासक बिहार से ही है। अब हम बात करेंगे गणित के बारे में, तो आइए सबसे पहले बात करते हैं आर्यभट्ट के बारे में। प्राचीन भारत के एक महान ज्योतिषविद और गणितज्ञ थे आर्यभट्ट। इन्होंने आर्यभट्टीय ग्रंथ की रचना की, जिसमें ज्योतिष शास्त्र के अनेक सिद्धांतों का प्रतिपादन किया। तो हम बात करते हैं आनंद कुमार के बारे में। आनंद कुमार बिहार के जाने माने शिक्षक और विद्वान हैं। इन्होंने अपने सुपर 30 संस्थान में बिहार के गरीब बच्चों को फ्री में पढ़ाया और उनके सपनों को साकार किया। अब हम बात करेंगे बिहार की राजनीति के बारे में। बिहार देश का पहला गणराज्य था। ऐतिहासिक प्रमाणों की माने तो लगभग 6वीं सदी पहले वैशाली में ही दुनिया का पहला गणतंत्र यानी कि गणराज्य कायम हुआ था। आइए सबसे पहले बात करते हैं नीतीश कुमार के बारे में। नीतीश कुमार बिहार के वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं और इन्हें बिहार के विकास पुरुष के रूप में जाना जाता है। अब बात राजेंद्र प्रसाद के बारे में। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद देश के पहले राष्ट्रपति रहे हैं। इनके लिए एक परीक्षा ने लिखा था, एग्जामिनी इज बेटर देन एग्जामिनर। अब बात जयप्रकाश नारायण की। स्वतंत्र भारत में युवाओं को एक नई धार देने वाले क्रांतिकारी के रूप में याद किया जाता है। सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह का जन्म बिहार के पटना में ही हुआ था। गुरु गोविंद सिंह ने धर्म, संस्कृति और राष्ट्र की आन बान और शान के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया। गुरुद्वारा श्री हरि मंदिर जी पटना साहिब बिहार के पटना में ही स्थित है। यह स्थान दुनिया भर में फैले सिख धर्मावलंबियों के लिए बहुत पवित्र है। बात करें यहाँ के फेमस डिश के बारे में, तो सबसे ऊपर नाम आता है लिट्टी चोखा का। ये बिहार का फेमस डिश के साथ साथ बहुत सारे टूरिस्टों का फेवरेट डिश भी है। तो अगर आप बिहार आते हैं तो लिट्टी चोखा खाए बिना नहीं रह सकते। दोस्तों, पटना के लोगों को बिहार सरकार की तरफ से एक बड़ा ही बेनिफिशियल फैसिलिटी मिला है, जो है लॉन्गेस्ट वाईफाई लाइन जो एक्सटेंड करता है ओवर 20 किलोमीटर। पटना में आप फ्री वाईफाई एक्सेस कर सकते हैं। पटना में अशोक राजपथ से NIT से दानापुर तक फ्री वाईफाई। बिहार के लोग बड़े ही दिल वाले होते हैं। एक बार दोस्त बन जाए तो दोस्त के लिए इनका जान भी हाजिर रहता है, क्योंकि ये बहुत ही इमोशनल होते हैं। यहाँ के लोग मैथमेटिक्स में कमाल के होते हैं और पूरे दुनिया में इनको मैथ्स में कोई नहीं हरा सकता। दिल के बहुत ही सीधे यहाँ के लोग डेयरिंग भी होते हैं और गुस्से में ये वो कर देते हैं जो कोई नहीं कर सकता। ये काफ़ी खुश मिजाज होते हैं और हमेशा अपने आसपास के लोगों को हंसाते रहते हैं। तो अगर आपने अभी तक कोई बिहारी दोस्त नहीं बनाया तो आपकी ज़िंदगी अधूरी है।